ओलंपियंस का सम्मान टोक्यो ओलंपिक पर और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों का ये सम्मान, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान ओलंपिक संघ का कार्यक्रम। सिरसी रोड पर जयपुर बाग रिसोर्ट में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुख्य अतिथि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बन्ना और खेल मंत्री अशोक चांदना मौजूद। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें। ओलंपियंस का सम्मान टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के खिलाड़ियों का ये सम्मान कार्यक्रम, और जयपुर से ये तस्वीरें हैं, राजस्थान ओलंपिक संघ का ये कार्यक्रम है। सिरसी रोड पर जयपुर बाग रिसोर्ट में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुख्य अतिथि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बन्ना और खेल मंत्री अशोक चांदना इस दौरान मौजूद। चैनल हेड जगदीश चंद्र तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ओलंपियंस का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। तो जिस तरह से खेल उन्होंने खेला, जो अपना प्रदर्शन ओलंपिक में दिखाया, जो उनका प्रदर्शन था, उसको लेकर अब ये सम्मान किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों का ये सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान ओलंपिक संघ का ये कार्यक्रम है, सिरसी रोड पर जयपुर बाग रिसोर्ट में ये कार्यक्रम। मुख्य अतिथि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बन्ना, खेल मंत्री अशोक चांदना मौजूद हैं, वहीं चैनल हेड जगदीश चंद्र भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जो आपने राजस्थान के अंदर मदद जगाई है, जो
खिलाड़ी आपने राजस्थान पुलिस के अंदर हो और चाहे किसी भी अन्य अन्य खेलों के अंदर हो, मैं आपको खेल सकों की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज अगर ओलंपिक के अंदर मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमें जो पैरा ओलंपिक के अंदर 11 में से 4 मेडल अपने राजस्थान को मिले हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमें हमारे बच्चों को खिलाड़ियों के लिए जो आपने नौकरी देते हैं हमको रोका है, हम आगे आने वाले समय में राजस्थान में और अच्छे रुपया प्राप्त करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, हमारे फर्स्ट इंडिया ग्रुप के चेयरमैन इनका मुझे सौभाग्य है, मुझे सौभाग्य है कि मैं आज उनके साथ मंच साझा कर रहा हूँ। हमें तो इनका रोज टीम के अंदर देखते हैं तो इनकी भी बड़ी एक भागीदारी रहती है कि स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़े और कैसे बढ़े। आप सभी का आने वाले सभी का मैं हृदय से आभार स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय जय भारत। मंच पर आदरणीय बत्रा जी जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट हैं, आज आप हमारे बीच में हैं। राजस्थान के खिलाड़ियों की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान के जर्नलिज्म की दुनिया के गोल्ड मेडलिस्ट जेसी साहब, आप भी यहाँ बता दें, आपका भी स्वागत कर देता हूँ। और राजस्थान के खेलों को चलाने वाले फेडरेशन के सभी साथी, खिलाड़ी, खेल प्रेमी, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पर बुलाकर जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें सम्मानित करने का प्रोग्राम ओलंपिक एसोसिएशन राजस्थान ने बनाया है। मैं आपकी इस पहल को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई तेजस्वी जी उम्र भी तो कम है लेकिन फुल ऑफ आइडियाज हैं और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम की जो प्रोग्रेसिव सोच हमेशा प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, एफर्ट हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। ये प्रोग्रेसिव सोच आपकी टीम के लिए मैं आपको बहुत बधाई चाहता हूँ। मेरे इसी तरह से रहते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि मैं इतना सा कर दूंगा तो उससे क्या मतलब है, लेकिन कई बार किसी डूबते को तिनके का सहारा भी मिल जाता है। पुरानी कहावत, मैं नया नया मंत्री बना, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, किस गेम का हूँ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स इज माय ब्लड, अगर दिन में 1 घंटा खेलता नहीं हूँ तो मुझे मजे नहीं होता। और बड़ी इच्छा थी कि खिलाड़ियों के लिए कुछ हमें करना चाहिए, विभाग के अधिकारियों के साथ में हमने मीटिंग करी कि ऐसा क्या किया जाए कि राजस्थान के अंदर प्योर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर रेगिस्तान भी है, काली मिट्टी भी है, चिकनी मिट्टी भी है, पीली मिट्टी भी है, पहाड़ भी है, कोई ऐसी चीज नहीं जो राजस्थान में नहीं है, कोई ऐसा मेरे ख्याल से मिनरल नहीं होगा जो राजस्थान की मिट्टी से राजस्थान के बच्चों को मिलता नहीं होगा, हर प्रकार का वर्टाइल है। तो हर गेम का वर्टाइल हमारे पास राजस्थान में है, लेकिन फिर भी आज हम हरियाणा को देखते थे, पंजाब को देखते थे, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को, उनको जब देखते थे तो हमें लगता था कि राजस्थान इतना टैलेंट। जब सब लोगों से सलाह मशवरा किया तो सब ने एक बात कही, खिलाड़ी का भविष्य जब तक सिक्योर नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा फुटफॉल खेलों के अंदर नहीं आएगा, यदि आएगा तो कई टैलेंट बीच बीच में परिस्थितियों की वजह से चला जाएगा। तो जब तक फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तब तक हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि राजस्थान के खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। कुछ लोग होते हैं जो सक्षम परिवारों से होते हैं, मैं चंदेला साहब को बहुत बहुत
इसके साथ ही राजस्थान में केरल को आगे बढ़ाने के लिए पटना जी का जो सहयोग रहता है उसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही गहलोत सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के प्रयास से एक प्रकार की जो क्रांति आई है जो जगत में राजस्थान में उससे हम सबको और खासतौर पर ग्रामीण को गर्व होना चाहिए। आज के ग्रामीण ओलंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के खिलाड़ियों का ये सम्मान है। सिरसी रोड पर जयपुर बाग रिसोर्ट में ये कार्यक्रम मुख्य अतिथि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बन्ना, खेल मंत्री अशोक चांदना मौजूद हैं। वहीं चरणधर जगदीश चंद्र भी कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। सर थोड़ा आगे आ गया करो यार। और